इस बार चार धाम यात्रा शुरुआत से ही अपने चरम पर है। चारों धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन चार धाम यात्रा में आने के लिए फर्जी रजिस्ट्रेशन कराने और करने के मामले सामने आए हैं। ये बात सरकार की ओर से कई बार बताई जा चुकी है कि यात्री केवल पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन कई लोग साइबर कैफे और फर्जी पंजीकरण कराकर चार धाम पहुंच रहे हैं। उधर पुलिस का कहना है कि कई ट्रेवल एजेंटों द्वारा भी फ्रॉड करने के मामले भी सामने आए हैं, जिसमें बुकिंग की तारीख बदली जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार के आदेश के बाद पुलिस भी हरकत में आई और ऋषिकेश में चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले दो अलग अलग मामलों में ट्रेवल एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के रहने वाले संजय कुमावत ने ऋषिकेश कोतवाली में एक तहरीर दी थी। फर्जी रजिस्ट्रेशन को लेकर अभी तक करीब 80 मामले पकड़ में आ चुके हैं। ऐसे में लोगों को चार धाम यात्रा पर जाने से रोका गया है। उधर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के क्यूआर स्कैनिंग भी अनिवार्य की गई है। क्यूआर कोड की स्कैनिंग रैंडमली कराई जा रही है। पकड़े जाने पर चार धाम यात्रा ऐसे लोगों को वापस लौटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।